डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी हम 10th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास पिछली क्लास में जब नवी क्लास अपनी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब इस समीकरण के द्वारा बताया जाता है कि पी एस बराबर पी नॉट एक्स विलायक। इसका मतलब है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है, जिसे हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट समीकरण थी जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लियर। अब मैं आपको आगे इसी को वैकल्पिक तौर पर, यानी बोला जाता है राउल्ट के कथन का वैकल्पिक रूप, तो राउल्ट के कथन का वैकल्पिक रूप, देखिए हम जानते हैं कि ये है मेन कथन जो कहता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल बिंदु के समानुपाती होता है। अब इसको हम दूसरे रूप में कैसे बोले, तो उसके लिए आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग कि विलेय की मोल भिन्न विलेय प्लस विलायक की मोल भिन्न का योग क्या होता है, योग होता है एक इकाई के बराबर, क्लियर। अब यहां से हमको विलायक का मूल अंश पता करना है, तो विलायक का मूल अंश पता करने के लिए इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाते हैं, तो x विलायक बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, तो x विलायक बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स विले, ओके, ये लिखा जा सकता है। तो इसको अब मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूं, तो क्या आप क्या लिखा जा सकता है, पी एस बराबर पी नॉट वन माइनस एक्स विले। मैंने ये वैल्यू कहां से लिख दी, ये विलायक की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दी, ओके। अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर खोले ब्रैकेट को, तो पी एस बराबर पी नॉट एक्स और ये विले, मैंने इसको ब्रैकेट को खोल लिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि इस वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूं, इस वैल्यू को इधर ले जाता हूं पक्षांतरण करके, तो मैं पी नॉट एक्स विले को इधर ले आया, ठीक है, और इसको पी नॉट माइनस पी एस को इधर ले गए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये था जब विलयन शुद्ध था, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, जब उसमें हमने ठोस अवाष्पशील विलेय घोल दिया है तो पी एस है विलयन का वाष्प दाब। तो ये हो गई विलायक के वाष्प दाब और विलयन के विलायक के वाष्प दाब में से अगर विलयन का वाष्प दाब घटा दिया जाए तो यानी विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी, या इसको हम बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। तो और ये पी नॉट है, तो यहां से मैं यूं लिख सकता हूं कि इधर लिख देते हैं पी, या एक फॉर्मूला और है, ये वाष्प दाब में कमी थी, पी नॉट माइनस पी एस, ये तो वाष्प दाब में कमी थी, और इसमें इस P नॉट का भाग लगा देता हूं, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया X विले के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहां से बोलेंगे ये अगर वाष्प, जैसे मान लो एक बुक है जिसकी कीमत 100 रुपये है, फिर उसके बाद आपने उसे 80 रुपये में किसी दूसरे को सेल कर दिया, ठीक है, तो वो कमी, और फिर अपन परसेंटेज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं कि बुक 100 रुपये की थी, 80 रुपये में बेची, तो 20 रुपये की हानि हुई, और ये 20 रुपये की हानि किस में से हुई, 100 में से, तो 20/100 अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगी प्रतिशत हानि,
ठीक है, ऐसे ही ये है उसका मेन वाष्पदाब विलायक का, ये है विलयन का वाष्पदाब। तो और ये पढ़ेंगे हम इसको वाष्पदाब में कमी, लेकिन जब प्रारंभ कहाँ से कमी हुई, पी नॉट से, तो इसे हम पढ़ेंगे वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी, किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। यानी अब हम इसे यूं कह सकते हैं, वैकल्पिक कथन को शब्दों में ये बताया जा सकता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। ये एक सेंटेंस के तौर पर, यानी अब दो तरह से सेंटेंस को बोला जा सकता है। अगर आपसे देखो, दो बात हो गई कि विलयन दो तरह से बनता है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो दो तरह से बताया जाता है। एक तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, जिसके लिए मैंने एक समीकरण आपको दी थी, और वो समीकरण थी पी एस बराबर पी वन नॉट पी टू नॉट एक्स विलेय प्लस पी टू नॉट, ये समीकरण दी थी। ये समीकरण कब यूज लेनी है, जब विलयन के दोनों ही घटक वाष्पशील हो, ठीक है। अगर विलयन में से एक घटक, और इसके लिए राउल्ट का स्टेटमेंट ये था कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब में प्रत्येक घटक के कारण उत्पन्न होने वाला वाष्पदाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, और कुल वाष्पदाब दोनों घटकों के कारण इस समीकरण के द्वारा बताया जाता है। अब हमारा दूसरा था, अगर विलयन में से एक घटक अवाष्पशील हो, तब हम कहते हैं कि उस विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक जो कि वाष्पशील है के मोल अंश के ही समानुपाती होता है, उसी के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन उसको हम विलायक की फॉर्म में ना बोले, तो फिर राउल्ट ने दिया था वैकल्पिक कथन, और उसने कहा कि अब उस विलयन के वाष्पदाब में होने वाली जो कमी है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होती है। मतलब ये है कि अब उसमें अवाष्पशील विलेय का मोल अंश आप बढ़ाते जाओगे तो उस विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी भी बढ़ती जाएगी। इस पर एक बात जरूर सुन लेना आप, कि इस पर एक क्वेश्चन बना था बोर्ड में, वो क्या था वो ही मैं बता देता हूँ। वो इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा, जैसे जैसे मान लो दो बीकर है, एक बीकर है 500 ml का, ये बीकर है 500 ml का, ठीक है। इसमें प्योर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और एक बीकर और है, पाँच सौ एम एल का ही है, सेम क्वांटिटी का है, लेकिन इसमें भरा हुआ है एक मोलर सुक्रोज का विलयन या नमक का विलयन, ठीक है। बीकर एक नाम दे देता हूँ इसको, बीकर ए, और इसको नाम दे देता हूँ बीकर एन। आपको ये प्रॉब्लम एमटीजी में भी मिल जाएगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में भी लिखी हुई है। फिर दो बीकर लीजिए, एक बीकर में
शुद्ध जल भरा हुआ है और दूसरे बीकर में एक मोलर सुक्रोज या एक मोलर नमक का विलयन भरा हुआ है। किस विलयन का परासरण, किस विलयन का वाष्प दाब अधिक है और क्यों? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। इसमें तो केवल शुद्ध जल है, 500 ml है, तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी नॉट। कितना होगा? पी नॉट। लेकिन इसमें सुक्रोज या नमक क्या होता है? अवाष्पशील विलेय होते हैं। तो इसमें अवाष्पशील विलेय भी भरा हुआ है और हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव और सदैव शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। क्यों होता है कम? उसका तो पहले भी लेते हैं, सदैव अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, जिसे हमने क्या माना था, पीएस, शुद्ध विलायक, ये लाइन बड़ी काम आने वाली लाइन है, शुद्ध विलायक जिसे हम बोलते हैं पी नॉट से कम होता है। यानी मतलब ये हुआ कि पी नॉट सदैव और सदैव पी एस से अधिक होता है। ठीक बात। तो ये आपका अब क्यों होता है, अगर हम इस क्यों पर भी विचार करें तो इसका भी जवाब ले लेते हैं कि क्यों होता है, वाह। ठीक है, तो इस वाय का जवाब ये है कि भाई एक बीकर होगा, ये एक बीकर हो गया। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा? केवल शुद्ध जल ही रखा, शुद्ध जल, और इसको हमने वेपोराइज होने दिया। इसमें वाष्पणु, ये जल वाष्पणु में विलायक है, जल की वाष्प है। ठीक है, अब ये जल की वाष्प है, ये इसके ऊपर जो दाब लगा रहा है, यानी इसी जल के, जल का वाष्पीकरण हुआ और वाष्पीकरण के कारण वाष्प के अणुओं ने द्रव की सतह पर जो दाब लगाया उसे हमने माना है पी नॉट। क्या माना है? पी नॉट। तो ये तो इसकी बात है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई क्यों इसका कम क्यों है, तो उसके लिए आ जाते हैं। अब हम एक बीकर और ले रहे हैं जो है एक मोलर सुक्रोज का। ठीक है, ये इसमें सुक्रोज भरी हुई है, इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसका भी वाष्प। लेकिन ध्यान रखना, सुक्रोज के जो कण हैं वो भी तो सतह पर आएंगे और सुक्रोज के कण होते हैं ठोस और वो वेपोराइज नहीं होते, वाष्पशील नहीं होते। तो अब इसके अंदर केवल जल के अणु ही वाष्पीकृत होंगे लेकिन सुक्रोज के अणु वाष्पीकृत नहीं होंगे। और हाँ, सुक्रोज के जो ठोस कण हैं वो जल के अणुओं को वाष्पीकृत होने से रोकेंगे भी, जैसे कुछ जल के अणुओं को ऊर्जा मिल चुकी है और वो वेपोराइज होने जा रहे हैं। लेकिन जो ठोस कण सतह पर मौजूद है, किसके? सुक्रोज के, वो उन्हें वाष्पीकृत होने से रोकेंगे। इस वजह से इसके अंदर वाष्प तुलनात्मक रूप से कम बनेंगे, जल का वाष्पीकरण कम होगा, और जल का वाष्पीकरण कम होगा तो जल इस सतह पर जो दाब लगेगा वो भी कम लगेगा और उसे हमने नाम दिया था पी एस। तो बताओ
पी नॉट ज्यादा की पी एस ज्यादा, तो डेफिनेटली इसमें तो जल के अणु ज्यादा वाष्पीकृत हुए थे, तो इसका वाष्प दाब पी नॉट है, और इसमें जल के अणु कम वाष्पीकृत हुए थे क्योंकि ठोस के कणों ने वाष्पीकृत होने से रोक लिया था, तो पी एस क्या होगा, कम होगा। तो बात क्लियर हो गई कि सदैव अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक पी नॉट से कम होता है, क्योंकि ठोस के कण शुद्ध विलायक को वेपोराइज होने से रोक देते हैं और कम वाष्प बनने के कारण वाष्प दाब में कमी प्रेक्षित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई कम क्यों होता है, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि कम इसलिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैं कितना मिलाऊं, तो अभी हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था कि कमी, जो कमी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, विलेय के प्रोपोर्शनल है, अवाष्पशील विलेय के मोलंस के प्रोपोर्शनल है, यानी आप विलयन के अंदर विलेय का सांद्रता या मोलंस बढ़ाओगे तो ये कमी बढ़ती ही जाएगी। और अगर हम इसमें सुक्रोज एक मोलर की जगह दो मोलर बनाएं तो इस वाष्प दाब में और कमी आएगी, और एक कमी आएगी तो ये क्या अंतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करने हैं आपको, मैं आपको कल के टॉपिक के अंदर, पहले आप सॉल्व करेंगे, कल के टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये कमी कितना मिलाने पर कितनी आती है। ये तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ले लिया कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, लेकिन हम कितना मिलाएं तो कितनी कमी आएगी, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन कम क्लियर हो गया कि राउल्ट ने बताया है कि कमी आती है। अब हम राउल्ट के नियम पर के बेसिस पर विलयन के प्रकार भी पढ़ेंगे कि भाई विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो मैं आपको आउटलाइन बता दूं जो हम कल के टॉपिक में ही लेंगे, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल लेंगे कि पहले कौन कौन से न्यूमेरिकल, तो जो स्टूडेंट अगर सॉल्व करेगा राउल्ट के नियम पर बेसिस न्यूमेरिकल वो मुझे कल भेजेगा तो मैं उसे बता भी पाऊंगा। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भी भेजी थी, लेकिन चूंकि अभी वीडियो बन रहा है उस मोबाइल से तो मैं उसको देख नहीं सकता, तो मैं उसको प्रॉब्लम को भी लेता, तो कल लेंगे हम उन प्रॉब्लम्स को। अच्छा, दूसरी बात मैं ये और बता दूं आपको कि आउटलाइन कि अब हमको क्या स्टडी करना है, जिससे आप पहले से ही किताब एनसीईआरटी वगैरह सब में दिया हुआ है उसको भी आप ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने राउल्ट का स्टेटमेंट पढ़ लिया वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। अब राउल्ट के नियम को फॉलो करते हुए जो विलयन तैयार किए जाएंगे वो तो होंगे आदर्श विलयन। कैसे विलयन होंगे? आदर्श। और जो विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, यानी जो मैंने अभी नियम बताए हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, वो होंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अब विलयन राउल्ट के नियम के बेसिस पे विलयन कितने प्रकार के पढ़े जाते हैं? दो प्रकार के, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? आदर्श विलयन की परिभाषा हम लिखेंगे वे विलयन जो सदैव किसी भी सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वे कहलाते हैं अनादर्श विलयन। अब केवल ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, लेकिन कौन सा विलयन आदर्श बनेगा और कौन सा विलयन अनादर्श बनेगा, तो इसको पहचानने के हमारे पास चार की पॉइंट है, उनको वन बाई वन हम लेंगे। मैं आपको इसके कंटेंट में इसको भेजूंगा, आदर्श और अनादर्श विलयन की के लिए कि मैं आपको भेजने वाला हूँ कंटेंट के अंदर, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल लिखित में कंटेंट मिल जाएगा, या मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।